दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों आपको बता दें, बहुत दिनों के इंतजार के बाद अक्षय कुमार की नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है लक्ष्मी बम। दोस्तों शायद आप इस फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे या देखने वाले होंगे। तब आप इसमें एक चीज़ जरूर देखेंगे, लक्ष्मी बम के ट्रेलर को रिलीज करने के साथ ही फिल्म के मेकर्स ने यूट्यूब की एक सेटिंग को बदल दिया है। यदि अभी आप इस सोच में पड़े हैं कि क्या बदला है ट्रेलर वाले वीडियो में, तो आपको बता दें किसी भी यूट्यूब वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने लोग लाइक किए हैं और कितने लोग डिसलाइक हैं, लेकिन लक्ष्मी बम के ट्रेलर में आप नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब इस वीडियो को चाहे जितना भी लाइक मिले या डिसलाइक मिले आप नहीं देख पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर समय समय पर कुछ फैशन आग की तरह फैलने लगते हैं और हमारे देश की जनता सोशल मीडिया पर ही अपना प्यार और गुस्सा दोनों दिखा देती है। शायद आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले ही विनोद वाला फैशन चला और सोशल मीडिया पर ऐसे फैला जैसे कोरोना वायरस। दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर अलग ही चीज चल रही है, वीडियो पर डिसलाइक करने का फैशन। और इसका सबसे ज्यादा शिकार हुई आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर। आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात उठी, लेकिन इसे हम आलिया भट्ट का दुर्भाग्य कहेंगे क्योंकि उसी समय सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ और इस ट्रेलर को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और आज के दिन तक सड़क 2 के ट्रेलर को 1,30,00,000 लोगों ने डिसलाइक किया है और इसी के साथ यह एक रिकॉर्ड है यूट्यूब पर। यूट्यूब की पूरी इतिहास में अभी तक कोई भी वीडियो इतना ज्यादा डिसलाइक नहीं हुआ है। शायद इसी से डरकर लक्ष्मी बम के मेकर्स ने यूट्यूब की सेटिंग ही बदल दी। आपको बता दें डिसलाइक का सिलसिला यही नहीं रुका, इसका प्रभाव ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली वेब सीरीज मिर्जापुर 2 पर दिखाई दी और लोगों ने मन मुताबिक इसे डिसलाइक के रंग में रंग दिया। बता दें कि लक्ष्मी बम को इस साल ईद पर रिलीज किया जाना था, मगर कोरोना ने इस प्लान को चौपट कर दिया। आपको बता दें अब यह मूवी 9 नवंबर को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी, लेकिन इस फिल्म में अक्षय के लुक को लेकर उनकी तारीफ की जा रही है। आपको बता दें कि फिल्म 9 नवंबर को सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UAE में भी रिलीज की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या मत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।